ड्राइवरलेस कार्स। जी हाँ, जब आप ऑटोमेटिक कार्स या ड्राइवरलेस कार्स के बारे में सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है कि कैसी होगी ये कार, कैसे चलेंगी, क्या इसमें फीचर्स होंगे, क्या इसमें हैंडल स्टीयरिंग व्हील होगा, क्या हम इसमें क्या नॉर्मल कार की तरह होंगे या इसमें काफ़ी सारे बेहतरीन तगड़े तगड़े फीचर्स होंगे जिसमें हम आराम से लेट के बैठ के गेम खेलते हुए, मोबाइल में गाने सुनते हुए या फिर मूवी देखते हुए आराम से हम जा सकते हैं, हमें इसमें ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं होगी। ड्राइवरलेस कार्स के कितने लेवल्स हैं और अभी तक हम कहाँ तक पहुँचे हैं और हमें फुली ड्राइवरलेस कार्स तक पहुंचने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक गैजेट्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक गैजेट्स को और साथ ही प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं ये एक कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। इसे समझने के लिए इसे 6 लेवल्स में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेवल 0 की। इसमें हमारी गाड़ियों के पीछे लगे कैमरे और सेंसर से हमें इंडिकेशन मिलती है कि हमारी गाड़ियों के पीछे कुछ है तो नहीं, कार पार्क करते समय पीछे से गाड़ी कहीं लगती नहीं है। लेकिन यह बस एक बहुत ही छोटा सा बेसिक सा फीचर है कार ऑटोमेशन का। असली ऑटोमेटिक कार, असली ड्राइवरलेस कार का लेवल शुरू होता है लेवल 1 से। लेवल 1 जो है वो है आपका ड्राइवर असिस्टेंस, जहाँ पे आपका व्हीकल स्टीयरिंग व्हील या फिर ब्रेक यूज़ कर सकता है लेकिन दोनों को एक साथ यूज़ नहीं कर सकता। आपकी कार अपने आसपास की कंडीशन के अकॉर्डिंग टर्न ले सकती है या फिर ब्रेक लगा सकती है। इसमें वो लेन असिस्टेंस को या फिर रडार्स को यूज़ करके अपने आप स्पीड स्लो कर सकती है या फिर टर्न ले सकती है। लेवल 2 है आपका, वो है पार्शियल ऑटोमेशन। इसमें कार स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक को दोनों को एक साथ यूज़ कर सकती है लेकिन इसमें आपको हर समय रोड पर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको हर समय ध्यान देना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। इसका एक एग्जांपल है टेस्ला के ऑटो पायलट और जनरल मोटर्स की सुपर क्रूज, जो कि अपने आप को पार्किंग स्पेस में पार्क भी कर सकती हैं। नंबर 3 पे है हमारी कंडीशनल ऑटोमेशन। इसमें कार अच्छी तरह से रोड पर स्टीयरिंग व्हील और ब्रेकिंग कर सकती है और आप बीच बीच में सड़क से नज़र हटा भी सकते हैं। ये एक तय रास्ते पर आराम से जा सकती है एक नॉर्मल रोड पर, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये अपने आप रुकावटों को पार नहीं कर सकती। अगर अचानक से सामने कोई आ गया तो ब्रेक आपको ही लगाने पड़ेंगे। नंबर 4 है आपका हाई ऑटोमेशन। इसमें अगर कंडीशंस सही हैं तो कार ड्राइवर का फुली कंट्रोल अपने अंडर ले सकती है और आप बीच बीच में और काम भी कर सकते हैं जैसे मोबाइल चलाना, बुक पढ़ना एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका सबसे बड़ा फीचर ये होगा कि अगर रास्ते में कोई रुकावट आए तो ये ब्रेक लगाकर अपने आप को साइड में भी लगा सकती है और फिर अंदर बैठा ड्राइवर सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है गूगल की वेमो सेल्फ ड्राइविंग कार, लेकिन ये सिर्फ कुछ सर्टेन लोकेशंस पर ही अभी इसका ट्रायल वर्जन चल रहा है। और नंबर 5 है फुल्ली ऑटोमेशन, यानी इसमें बेसिकली कार आपको ड्राइव करेगी और इसमें शायद स्टीयरिंग व्हील भी ना हो और ये किसी भी ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर सकती है जिसे कोई ह्यूमन कर सकता है लेकिन ज़्यादा सेफ्टी और एक्यूरेसी के साथ। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी हम कहाँ तक और किस लेवल तक पहुँचे हैं। कुछ कार एक्सपर्ट्स की माने तो अभी हम भैया लेवल 2 या 3 तक ही पहुँचे हैं। तो अब जी ऐसा है कि ऑटोमेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है, जैसे कि रोड कंडीशन है जिसकी वजह से ऑटोमेटिक कार को रियल लाइफ में काफ़ी मुश्किल होगी और ऑटोमेटिक कारों को इंडिकेशन देने के लिए सड़कों पर प्रॉपर साइन और मार्किंग भी करने की ज़रूरत होगी और साथ ही साथ आपकी कार को ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर से वायरलेसली भी कनेक्ट करना पड़ेगा, इसके साथ साथ बाकी कारों के साथ भी, ताकि बाकी ट्रैफिक का भी तो पता रहे कि कौन कहाँ से आ रहा है। वैसे वॉल्वो के पास टेक्नोलॉजी है जिसके यूज़ से उसकी कारें एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं और ड्राइवर्स को अलर्ट कर सकती हैं। इस टेक्नोलॉजी का टेस्ट ड्राइवरलेस कार्स पर भी चल रहा है MCT में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में है, जो कि एक प्रॉपर सिटी की तरह बनाई गई है ताकि इस टेक्नोलॉजी को ठीक से R&D किया जा सके कि बाकी व्हीकल्स कहाँ हैं, किधर से आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो एक बार ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन को ठीक से हैंडल कर लिया तो उसके बाद क्या करना है, तो भैया उसके बाद ध्यान देना है ट्रैफिक लॉस पर।
सरकारों को ऑटोमेटिक कार्स के यूज़ पर काफ़ी सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जैसे किन वेदर कंडीशंस में ड्राइवरलेस कार्स को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इन कारों के जो सिस्टम हैं वो बारिश के कारण या फिर बर्फबारी के कारण डिसरप्ट हो सकते हैं, क्योंकि लगभग ऐसी ही एक इंडस्ट्री है एयरलाइंस जिसकी फ्लाइट भी बैड वेदर्स कंडीशन की वजह से कैंसिल करनी पड़ती हैं। तो वेदर का ऑटोमेशन ड्राइवरलेस कार्स पर भी काफ़ी असर पड़ेगा। इसके बाद भैया एक रास्ता और ढूंढना पड़ेगा जिससे ऑटोमेशन कार्स रोड पर नॉर्मल कार के साथ चल सकें। इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है कि ड्राइवरलेस कार्स के लिए एक अलग से लेन डिसाइड कर दी जाए, जैसे बस लेन और हैवी व्हीकल लेन डिसाइड कर दी जाती है। तो हमें ड्राइवरलेस कार्स कब देखने को मिलेंगी? शायद 15 से 20 सालों के अंदर हाईवेज पर आ जाएं, लेकिन सिटीज़ में तो भैया अभी कोई भी आइडिया नहीं है कि सिटीज़ में इस तरह की कार कब तक आ सकेंगी। ये डेफिनेटली फ्यूचर है और फ्यूचर में ऐसी कार बिल्कुल आएंगी, इनमें सफलता भी बिल्कुल मिलेगी, लेकिन अभी तो इसके लिए अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट कार की तैयारी की जा चुकी है, जो कि है वॉल्वो की 360C कॉन्सेप्ट कार, जिसकी तरह फ्यूचर में ड्राइवरलेस कार्स दिखा करेंगी, जिसमें आप आराम से सोते हुए जाएंगे मजे से। तो बस यही था, तो आज हमने आपको बताया ड्राइवरलेस कार्स के लेवल्स के बारे में, इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और अभी कितना और इंतज़ार करना होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।